दोस्तों नमस्कार। नवीन समाचार पर हम हर शुक्रवार एक विशेष अंक हम लेकर के आते हैं। हर रोज़ तो हमारा कुछ ना कुछ कभी भी जो समाचार होते हैं उनको हम लेके ही आते हैं, लेकिन हर शुक्रवार को सुबह 9 बजे हमारा एक विशेष अंक होता है। उसकी बहुत सारे लोग प्रशंसा कर रहे हैं, उसे हमें समर्थन दे रहे हैं, तो इससे हमारा मनोबल भी बढ़ रहा है। तो पिछली कड़ियों में हमने पत्रकारिता के बारे में और जीवन मूल्यों के बारे में अलग अलग अंक इसके प्रस्तुत किए। उसी कड़ी में हम और कुछ नए अंक लेकर के आपके सामने हैं। आज हम इसी कड़ी में शुरू कर रहे हैं उत्तराखंड की पत्रकारिता का इतिहास। जो किताबों में पढ़ा जाता है उससे इतर हम कोशिश करेंगे कि वही नहीं, कुछ और भी चीज़ें आपको हम उससे इतर हम आपको बताएं। और आगे एक कड़ी आगे चलेंगी तो फिर हम देश की पत्रकारिता का इतिहास भी और इसके अलावा जो विश्व की पत्रकारिता का इतिहास उसे भी एक नए कोण से हम आपको समझाने की कोशिश करेंगे। तो देश जो उत्तराखंड की हम अगर पत्रकारिता के इतिहास की बात करते हैं तो वैसे तो वो आगे जब अंग्रेज आते हैं यहाँ उसके बाद से, क्योंकि जो भी हमारा यहाँ इतिहास लिखा गया है वो अंग्रेज़ों के द्वारा लिखा गया है, चाहे किसी भी तरह का इतिहास लिखा गया हो ज़्यादातर, तो खासकर पत्रकारिता का, तो वो अंग्रेज़ों के द्वारा ही लिखा गया और उन्हीं के हिसाब से लिखा गया। वे मानते थे कि उन्होंने ही पत्रकारिता की शुरुआत की, लेकिन हम इसको थोड़ा सा और आगे लेके जाते हैं। पत्रकारिता क्या है? पत्रकारिता जो भी देशकाल की परिस्थितियां चल रही हैं उनके बारे में लिखना, उन परिस्थितियों को हम कैसे किसी तरह से हम जान सकते हैं, उस देशकाल की परिस्थितियों को कैसे अंकित किया जा रहा था साहित्य में, उसको भी हम पत्रकारिता का एक अंग मानते हैं। तो उस आधार पर अगर हम मानेंगे तो हमारे यहाँ तो आदि अनादि काल से वैदिक ऋचाओं की जन्मदात्री है हमारी जो देवभूमि उत्तराखंड है, तो उस जमाने से यहाँ पे लोग ज्ञान का अर्जन कर रहे हैं और उसको आगे जो वेद लिखे गए हैं, पुराण लिखे गए हैं, वो सब कुछ यहीं लिखे गए हैं। तो उत्तराखंड हमेशा से बौद्धिक संपदा के लिहाज से हमेशा से समृद्ध रहा है, तो इसलिए हमें मानते हैं कि यहाँ तो ये सब चीज़ें पहले से, बहुत पहले से इस तरह की चीज़ें चल रही थी। लेकिन अगर हम फिर भी जो आधुनिक दौर के हिसाब से अगर हम बात करेंगे तो एक बहुत प्रमुख नाम आता है गुमानी पंत जी का। गुमानी पंत जी, इनका जन्म हुआ था 1790 में और मृत्यु हुई 1846 के में, और इनका जो रचना काल रहा कई भाषाओं में, इनका हिंदी में, उर्दू में, अंग्रेजी में, इसके अलावा नेपाली में, कई भाषाओं में इन्होंने लेखन किया गुमानी पंत जी ने। जो इनका रचना काल रहा वो 1810 के आसपास माना जाता है, क्योंकि 1790 से 1815 तक यहाँ उत्तराखंड में, खासकर कुमाऊं मंडल में, उसमें महादमनकारी गोरखाओं का शासन था। तो गोरखाओं के शासन में इन्होंने जम के कलम चलाई। तो गुमानी जी की जब हम बात करते हैं तो उनकी एक प्रमुख रचना सामने आती है, दिन दिन खजाना का भार बोकना ले, सिब सिब चूली मैन बाल एक एक का। तो जैसा हमने बताया कि वो महादमनकारी गोरखाओं का राज्य था 1790 से 1815 तक, उस बीच में उनकी लिखी हुई ये कविता है। उनका इतना दमनकारी राज्य था कि उस पर कवि गुमानी पंत कह रहे हैं कि लगातार दिन दिन लगातार खजाने का भार ढोने से, उन दिनों क्या होता था कि राजा एक जगह से दूसरी जगह को जाते थे और प्रजा को ही उनकी पूरी सवारी को, उनको खुद कंधों पे, डोलियों पे, डांडियों पे इस तरह से ले जाना पड़ता था और पूरा उनका राज्य एक तरह से एक जगह से दूसरी जगह जाता रहता था। तो सारा सामान जो होता था वो सब कुछ कंधों पे और सर पे इस तरह से जाता था। तो उनका दिन दिन खजाना का भार बोकना ले, सिब सिब चूली में न बाल एक एक का। कुमाऊनी में या उत्तराखंड में शिव और शिव तरह का शब्द एक प्रयोग होता है किसी पर दया दिखाने का, तो शिव शिव भगवान शिव को भी आप उसको उनको याद करते हुए आप समझ सकते हैं। तो कहते हैं चूली, चूली इस जगह को बोलते हैं। तो उस जमाने में किसी भी जो उत्तराखंड के लोग थे उनके, जैसे मेरे सर में नहीं है, इसी तरह के किसी के सर में भी बाल नहीं होते थे,
इसलिए नहीं होते थे कि वो दिन भर लगातार खजाने का भार ढोते थे, सामान सर में लेकर के ढोते रहते हैं, तो नहीं होता। तो वो एक तरह से उस देश काल की परिस्थितियाँ जो इनका था उसको ये प्रतिबिंबित कर रहे थे अपनी कविता से। तो कविता क्या है, कविता और पत्रकारिता क्या है, वो अपनी कविता से एक तरह से पत्रकारिता कर रहे थे, उस समय की परिस्थितियों को प्रस्तुत कर रहे थे। एक खास बात ये भी है कि जो गुमानी पंत हैं, इनको जैसा कि हमने बताया आपको कि ये इनका हिंदी में, अंग्रेजी में, उर्दू में और कुमाऊनी में और उसके अलावा नेपाली में कई भाषाओं के ये ज्ञाता थे। इनकी एक हिंदी रचना को अगर आप देखेंगे तो इससे आपको लगेगा कि इनकी हिंदी किस स्तर की थी। अंग्रेजों पर उन्होंने के समय के दौर में, जब अंग्रेज चले गए थे, अंग्रेज आ गए थे 1815, उसके बाद की एक रचना है जिसमें उन्होंने कहा है, विद्या की जो बढ़ती होती, फूट न होती राजन में, हिंदुस्तान असंभव होता, बस करना लख बरसन में, कहे गुमानी अंग्रेजन से, कर लो चाहो जो मन में, धरती में नहीं वीर, वीरता दिखाता तुम्हें जो रण में। एक तरह से ये जो हमारे जो देशी राजा थे हमारे देश के, उनकी उनकी फूट की वजह से आप लोग यहाँ आ गए हो और हमारे यहाँ विद्या नहीं थी, इस तरह की बात। और वरना अगर आप ये चीज़ें होती और हमारे अंदर अगर फूट ना होती और हमारे यहाँ विद्या होती, अगर हम पढ़े लिखे होते उससे पहले, तो हमें हिंदुस्तान को आपको बस में करना असंभव होता। तो ये सब ये बातें वो बता रहे हैं। इसमें विशेष बात यह है इस कविता में देखने की कि हिंदी का स्तर कैसा है। खास बात यह है कि ये गुमानी पंत जो हैं, जिन्हें जन्मदाता कहा जाता है हिंदी का, उनसे 50 वर्ष करीब पैदा हो गए थे। भारतेंदु हरिश्चंद्र जी की मैं बात कर रहा हूँ। भारतेंदु हरिश्चंद्र जी का जन्म जो है वो सन 1850 में जन्म हुआ था और मृत्यु 1885 में हुई, जबकि गुमानी पंत जी की का जन्म 1790 में हुआ था और 1846 में इनकी मृत्यु हो गई थी। और भारतेंदु हरिश्चंद्र 1850 में पैदा हो रहे हैं, जिन्हें हिंदी का पितामह कहा जाता है, जिनको हिंदी का जन्मदाता कहा जाता है। तो गुमानी पंत की इस स्तर की हिंदी जो थी, उनके गुजर जाने के, उनके देहावसान के 4 वर्ष के बाद भारतेंदु हरिश्चंद्र पैदा हो रहे हैं। तो उन्होंने, हालांकि उनकी उम्र भी कम रही भारतेंदु हरिश्चंद्र जी की, उनके योगदान को हम कम करके नहीं आंक रहे, लेकिन भारतेंदु हरिश्चंद्र जी के जन्म से पहले भी इस तरह की हिंदी लिखी जा रही थी, ये हम कहना चाह रहे हैं। और इस आधार पे ये बात बहुत प्रमुखता से कही जाती है कि भारतेंदु हरिश्चंद्र जो थे, गुमानी पंत जो थे, वो भारतेंदु हरिश्चंद्र से पहले उनको भी जो है हिंदी का पितामह कहा जाना चाहिए, इस तरह की बात। इस चर्चा को हम आपके सामने इससे आगे लाने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये एक विशेष बात है। हालांकि जब हम औपचारिक तौर पर जो उत्तराखंड की पत्रकारिता का इतिहास है, अगर उसकी हम बात करते हैं, तो वो शुरू होती है 1815 में अंग्रेजों के आने के बाद से। 1815 में अंग्रेज उत्तराखंड में आए, सबसे पहले कुमाऊं के मंडल में आए। वो किस तरह से आए उस पर अगर आप चाहें तो मैं थोड़ा सा आपको दो लाइन में ये बताऊं कि जो कुमाऊं में उस समय ये गोरखाओं का राज्य था, महादमनकारी राज्य था, और कुमाऊं के जो चाणक्य कहे जाते हैं, हर्षदेव जोशी, उनको हरकदेव जोशी भी कहा जाता है, तो वो अंग्रेजों को एक तरह से यहाँ जो स्थितियाँ, इनका जो दमनकारी राज्य था, इनको हटाने के लिए अंग्रेजों को आमंत्रित करके यहाँ लेके आए। सिगौली की संधि हुई, उसके बाद 1815 में अंग्रेज यहाँ आए। तो 1815 में जब अंग्रेज आए तो वो एक अलग दृष्टि के साथ में आए, और ये भी एक विशेष बात है कि उनको वो, चूँकि जो वहाँ उनका अपना परिवेश था वो पहाड़ी परिवेश का था, ज़्यादातर अंग्रेज इंग्लैंड के भी स्कॉटलैंड के हिस्से से आए थे, स्कॉटलैंड पहाड़ी हिस्सा था। तो अंग्रेज यहाँ उत्तराखंड में आ करके एक तो, और उनको यहाँ आमंत्रित करके उनको लाया गया था, वो जीत करके यहाँ नहीं आए थे, तो इसलिए उनको भी, उनको अपना ये घर सा भी लगा अपने परिवेश के हिसाब से, मौसम के हिसाब से भी, तो इसलिए वो यहाँ आए। और उन्होंने जो कुछ अच्छे कार्य भी उत्तराखंड में किए, नीचे उन्होंने जो जिस तरह का दमन किया था, उसके अलावा यहाँ वो चूँकि अपने घर पे आदमी थोड़ा सा अपने आप को ठीक रखने की कोशिश करता है, तो इस तरह का भी था। तो उसके बाद ही
उसके बाद उन्होंने यहाँ जो है पत्रकारिता का भी जिस तरह से शुरुआत की। इससे पहले हालांकि 29 जनवरी 1780 को जो देश में जो पत्रकारिता का, हम जब इतिहास की बात आगे करेंगे तो जेम्स ऑगस्टस हिकी से बात करते हैं, उन्होंने हिकीज़ बंगाल गज़ट के माध्यम से देश में पत्रकारिता की शुरुआत बंगाल से की थी और काफ़ी वर्षों तक जो देश की पत्रकारिता थी वो पश्चिम बंगाल, बंगाल के क्षेत्र में, उन दिनों पश्चिम बंगाल और दोनों बंगाल अलग अलग नहीं थे तो बंगाल के क्षेत्र में वहाँ पर सीमित थी। और वहाँ से उत्तराखंड तक अगर हम पत्रकारिता की हम चूँकि बात कर रहे हैं तो उसको यहाँ आने में, पहाड़ चढ़ने में करीब 62 वर्ष लग गए। 1842 में द हिल्स नाम के एक पत्र, यहाँ सबसे पहला जो उत्तराखंड में अगर समाचार पत्र कोई प्रकाशित हुआ उसकी हम बात करते हैं तो द हिल्स कहते हैं, तो याद करने के लिए ये पहाड़ों से संबंधित अगर यहाँ उत्तराखंड है तो आप द हिल्स को पहाड़ों से भी ऐसे जोड़ सकते हैं। तो जॉन मैकिनन थे, उन्होंने अंग्रेजी भाषा में द हिल्स नाम का जो समाचार पत्र था वो मसूरी के सेमिनरी स्कूल परिसर से उन्होंने अपनी वहाँ पर एक प्रिंटिंग प्रेस स्थापित करके उन्होंने वहाँ से उसको स्थापित किया था, वहाँ से पत्रकारिता की यहाँ शुरुआत हुई। यह पत्र जो था इसको केवल उत्तराखंड नहीं बल्कि पूरे उत्तरी भारत का सबसे पहले समाचार पत्र की मान्यता है। बेहतरीन इसका प्रकाशन था और प्रसार भी इसका अच्छा था, उसके लिए भी ये चर्चित था। इस पत्र में इंग्लैंड और आयरलैंड, केवल इंडिया के नहीं, भारत के नहीं, इंग्लैंड और आयरलैंड के आपसी झगड़ों के बारे में खूब चर्चाएं इसमें छपती थी। और ये जो समाचार पत्र था वो करीब 7-8 वर्ष चलने के बाद तक चला और उसके बाद बंद हो गया। इसके बाद 1860 में डॉक्टर स्मिथ ने इसे एक बार फिर से पुनर्जीवित करने की कोशिश की और उस इस बार ये 1865 था, यानी फिर 5 साल चला और उसके बाद फिर बंद हो गया। तो जो द हिल्स समाचार पत्र था वो अंग्रेजी माध्यम से ही प्रकाशित होता था और अंग्रेजों के बारे में ही उसमें ज़्यादातर समाचार होते थे और अंग्रेजी उस समय यहाँ उसका स्थानीय सरोकार कुछ दिखते नहीं है द हिल्स अखबार में। तो उसके बाद जो हिंदुस्तानी परिप्रेक्ष्य अगर हम बात करें तो जो एक प्रमुख समाचार पत्र इसके बाद जो आया वो 1845 में आया, इसका नाम था मेफिस लाइट। अंग्रेजी भाषा का ही समाचार पत्र था लेकिन इसकी खास बात ये थी कि अंग्रेजी शासन के खिलाफ लिखता था, यानी कि अंग्रेज होते हुए भी, उसका संपादक अंग्रेज जॉन लैंग होते हुए भी, वे अंग्रेजी शासन के खिलाफ जो पत्रकारिता का धर्म है वो उस पत्रकारिता के धर्म को निभाते थे। इसका कारण ये भी था कि ये जो जॉन लैंग थे वो महारानी लक्ष्मीबाई, जो झांसी की रानी जिन्हें हम कहते हैं, जिन्होंने हमारे देश के स्वाधीनता संग्राम में बहुत बड़ा योगदान दिया, अपना बलिदान दिया, सर्वोच्च बलिदान दिया, उनके अधिवक्ता ये रह चुके थे। तो इनके अंदर में जो भारतीय का जो दमन हो रहा था अंग्रेजों के द्वारा वो भी इनके मन मस्तिष्क में रहा था, तो इसलिए ये इन चीज़ों को समझते थे, इसलिए ये अंग्रेजी शासन की खिलाफत भी करते थे। लॉर्ड डलहौजी का वो शासन था और 7 जून 1857 को हुई इंग्लिश मैन क्लब मसूरी में एक बैठक हुई जिसमें इसे अंग्रेज सरकार ने, लॉर्ड डलहौजी ने इसे साम्राज्य विरोधी अखबार होने का इसको करार दिया था। जॉन लैंग के बारे में एक चीज़ और बताएं कि ये जब महारानी लक्ष्मीबाई की मृत्यु हो गई थी, उनका बलिदान हो गया था, उसके बाद ये यहाँ आए थे। आगे 1882-83 के आसपास लिडिल नाम के एक अंग्रेज इसके संपादक रहे। इस अखबार का उस समय में ऐसा नाम था कि लगभग 125 वर्षों के बाद, उस समय तो ये बंद हो गया था, उसे वर्तमान में फिर करीब 125 वर्षों के बाद 2003 में इसे जयप्रकाश उत्तराखंडी ने इसे एक बार फिर से हिंदी और अंग्रेजी में साप्ताहिक पत्र के रूप में इसका फिर से पुनर्प्रकाशन शुरू किया है, यानी इसकी मान्यता इतनी अच्छी थी ये समाचार पत्र की। तो ये अभी भी कुछ समय पूर्व तक ये हमने इसको चलता हुआ देखा है, अभी वर्तमान में इसकी जानकारी नहीं है कि अभी चलता है या नहीं है। तो इसके बाद 1870 में मसूरी से एक और अंग्रेजी अखबार मसूरी एक्सचेंज के नाम से प्रारंभ हुआ, अल्पजीवी रहा, कुछ ही समय तक ये चला। उसके बाद 1872 में कोलमैन नाम के एक अंग्रेज ने जॉन नॉथन के सहयोग से पुनः मसूरी सीजन नाम से एक नया अंग्रेजी अखबार निकाला, यह अखबार भी करीब 2 साल तक ही चला। इसी कड़ी में आगे 1875 में मसूरी क्रॉनिकल और इसी दौरान एक बेकन नाम का अखबार और फिर एक द ईगल नाम का अखबार, ये अखबार भी चले लेकिन बहुत बहुत छोटे छोटे
कालखंड इनके रहे, बहुत छोटे समय के लिए रहे, लेकिन इसके साथ में ये जरूर हो गया था कि 1880-1870 के आसपास तक मसूरी जो है वो जो उत्तर भारत के जो समाचार पत्रों के प्रकाशन का एक प्रमुख केंद्र जरूर बन गया था, क्योंकि कई समाचार पत्र मसूरी से ही छप रहे थे। तो मसूरी एक तरह का जो उत्तर भारतीय पत्रकारिता का एक केंद्र यहाँ स्थापित हो गया। इस दौरान कई अंग्रेज संपादक और पत्रकार यहाँ के कई प्रसिद्ध हुए। आगे 1900 में एक बॉडीकॉट नाम के एक अंग्रेज थे, उन्होंने द मसूरी टाइम्स का प्रकाशन प्रारंभ किया, जिसका प्रबंधन बाद में अंग्रेज भारतीयों के हाथ में भी रहा। बताते हैं कि ये जो समाचार पत्र था द मसूरी टाइम्स, इसके संवाददाता केवल भारत में नहीं बल्कि यूरोप में भी थे, वहाँ के समाचार भी इसमें प्रकाशित होते थे। करीब जब ये बंद हो गया उसके करीब 30 वर्षों के बाद इसे हुकुम सिंह पंवार, एक उत्तराखंडी संपादक हैं, पत्रकार हैं, उन्होंने इसको पुनर्जीवित किया, फिर से इसका प्रकाशन शुरू किया। 1970 के दशक में इस पत्र का हिंदी संस्करण भी प्रारंभ हुआ। हिंदी में पहले तो अंग्रेजी में छपता था, तो बाद में ये हिंदी में भी छपने लगा। और इसी बीच में 11 फरवरी 1914 से मसूरी से देहरा मसूरी एडवर्टाइजर नाम का एक विज्ञापन पत्र, जिसमें विज्ञापन ज़्यादा होते थे, वो भी इसमें प्रकाशित हुआ। और 1924 में द हेराल्ड वीकली नाम का एक अंग्रेजी अखबार भी मसूरी से बनवारी लाल बेदम के द्वारा प्रकाशित किया गया। इस पत्र में उस समय टिहरी की जनक्रांति की खबरें काफ़ी छपती थी। तो ये दौर था जिस समय मसूरी जो था एक प्रमुख केंद्र के रूप में था। इसके बाद हम आगे बात करते हैं जो पत्रकारिता उत्तराखंड के दूसरे अंचल कुमाऊं अंचल की तरफ आती है, और इसका केंद्र जो है वो नैनीताल बनता है और अल्मोड़ा बनता है। तो नैनीताल की पत्रकारिता कैसे शुरुआत हुई उसकी अगर हम बात करें, तो नैनीताल जैसा आप जानते हैं कि 1841 में कहा जाता है कि उस ये जो अंग्रेजों ने इसको स्थापित किया, हालांकि मैं इसको नहीं मानता हूँ, मैं इसमें एक कभी अलग से आपको नैनीताल के इतिहास पर आपको अलग से प्रस्तुति देने का प्रयास करूँगा, हमने इस पर काफ़ी कुछ लिखा है। लेकिन बहरहाल 1841 में अगर इसको मानते हैं, 1841 में अंग्रेज यहाँ आए, इतना तो हम मान ही सकते हैं, इस बात से हम इनकार नहीं कर सकते। तो 1841 में जब नैनीताल में अंग्रेज आए, तो उसके करीब 27 वर्ष के बाद में यहाँ नैनीताल में, उस हिसाब से कहें तो बहुत जल्दी यहाँ हिंदी पत्रकारिता की शुरुआत हो गई। अभी तक हम जो बात कर रहे थे वो सारी अंग्रेजी पत्रकारिता की शुरुआत की बात कर रहे थे, मसूरी से जो हो रही थी वो अंग्रेजी पत्रकारिता थी शुरुआत की, लेकिन नैनीताल ने इसमें एक बड़ा योगदान दिया। नैनीताल से हिंदी पत्रकारिता की शुरुआत हुई 1868 में, जब एक तरह से भारतेंदु हरिश्चंद्र जी, जो हिंदी की पत्रकारिता, हिंदी का जिनको जनक कहा जाता है, वो अपना लेखन शुरू ही कर रहे थे। 1850 में उनका जन्म हुआ, तो लेखन शुरू ही कर रहे थे, 18 साल की उनकी उम्र रही होगी, उस समय नैनीताल से हिंदी पत्रकारिता की शुरुआत हो गई थी। इस आधार पर भी आप देखें कि हिंदी को हम जिस तरह से हम पढ़ते हैं उसके इतिहास को, उसमें हम थोड़ा सा एक ये कोण भी नज़र आता है। तो यहाँ पर 1868 में अधिवक्ता थे और पत्रकार थे, संपादक थे जयदत्त जोशी, उन्होंने नैनीताल प्रेस से समय विनोद नाम का एक समाचार पत्र का प्रकाशन प्रारंभ किया, जो उत्तराखंड से निकलने वाला पहला देसी, इसलिए कि उसमें हिंदी के साथ में उर्दू का भी शब्द प्रयोग होते थे, इसलिए इसको देसी समाचार पत्र, जैसे आजकल की भाषा को अब क्या कहा जाए, हमने एक आपको हिंदी की पत्रकारिता पर आपको हम प्रस्तुत कर चुके हैं, जिसमें हिंदी की पत्रकारिता में उर्दू के, अंग्रेजी के, सबके शब्द हम प्रयोग कर रहे हैं, उसको हम क्या हिंदी का पत्र कहें आजकल की पत्रकारिता को, या किस भाषा की पत्रकारिता कहें, वो एक आपके लिए हम फिर से इसको विषय को छोड़ देते हैं। तो बहरहाल समय विनोद को शुरुआत में जो है वो उसको देसी भाषा का समाचार पत्र कहा जाता था, हिंदी भाषा का समाचार पत्र उस समय शुरुआत में उसको नहीं कहा जाता था। तो उसमें क्योंकि हिंदी के साथ में उर्दू के शब्द भी थे, वो जो समय था उससे पहले मुगलों का शासन रहा है और ये सब कुछ परिस्थितियाँ रही हैं, उसके बावजूद वो हिंदी की शुरुआत कर रहे हैं, तो इसको ये एक पाक्षिक पत्र था। 1871 तक इसके अलावा उत्तराखंड में कोई दूसरा हिंदी भाषी या देसी भाषी पत्र कोई भी नहीं था।
तो ये 1868 से 71 तक 3 साल तक ये एक छत्र राज्य इसका रहा। पूरे उत्तराखंड में एकमात्र समाचार पत्र जो था, पाक्षिक समाचार पत्र का मतलब 15 दिनों में एक, हर पक्ष कहते हैं ना, एक महीने में दो पक्ष होते हैं, शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष, तो दो हिस्से अगर आप महीने के बांट दें तो महीने में दो बार ये समाचार पत्र छपता था। 3 साल तक ये लगातार इकलौता समाचार पत्र था। और इस पर शुरुआत में चूँकि अंग्रेजी शासन है तो इसको सरकार परस्त समाचार पत्र भी कहा जाता था, यानी सरकार के पक्ष में भी सरकार, बेसिकली समाचार पत्रों का जो कार्य है वो यही है कि जनता की समस्याएं बताए सरकार को, और सरकार की के जो नीति नियम कानून जो उनके हैं उनको जनता को समझाए। तो उस हिसाब से आप गलत नहीं कह सकते, लेकिन ये इसको शुरुआत में सरकार जो हम कहते हैं सरकार परस्त इसको शुरुआत में कहते हैं, लेकिन उसके बावजूद ये अपने पत्रकारिता का जो धर्म था वो निभाता था। उस दौर में जो अंग्रेज़ों के द्वारा जो हमारे यहाँ किसी तरह के अत्याचार होते थे उनको ये प्रकाशित करता था। ब्रिटिश राज में चोरी की घटनाएं यहाँ हो रही थी तो उनको इसने काफ़ी बढ़ चढ़ के प्रकाशित किया। इसके अलावा भारतीयों का शोषण होता था, उन्हें बेवजह पीटा जाता था, उन पर अविश्वास किया जाता था। इस पर कई अंकों में जो समय विनोद के उसमें साफ साफ चिंता इसने व्यक्त की थी वो सब कुछ ये लिखता था। 1918 में आगे जा करके, मतलब जब हमारे देश का स्वाधीनता संग्राम जब आगे बढ़ा और जब अंग्रेज़ों के खिलाफ यहाँ मुखर होने लगे, जैसा हमने पहले ही बताया कि उत्तराखंड में अंग्रेज़ उस तरह के दमनकारी शुरुआत में नहीं थे, क्योंकि उनको बुला करके यहाँ लाया गया था और उनसे पहले हम लोग गोरखाओं का अंग्रेज़ों से भी ज़्यादा दमनकारी शासन झेल रहे थे, तो इसलिए हमको अंग्रेज़ थोड़ा सा उनसे सॉफ्ट लग रहे थे, उनसे ज़्यादा नम्र हमको लग रहे थे अपने पुराने शासन से, तो इसलिए यहाँ उस तरह का विरोध भी नहीं था। जब बाद में गांधी जी आते हैं स्वाधीनता संग्राम के लिए अलग जगाते हुए, तो उसके बाद फिर यहाँ के लोग, उत्तराखंड के लोग भी जो देश के स्वाधीनता संग्राम के लिए आगे आए, तो उस समय तक अंग्रेज़ों के खिलाफ भी मुखरता होने लगी थी। इतना लंबा शासन होता है, कोई भी लंबा शासन होता है तो उसके खिलाफ लोग नाराज़ होने लगते हैं। तो अब तक 1918 के तक ये कहते हैं कि मतलब चीज़ें आगे बढ़ने लगी थी, विरोध बढ़ने लगा था, तो उस समय तक ये काफ़ी, ये भी अब अंग्रेज़ों के खिलाफ लिखने लगा था काफ़ी ज़्यादा। और 1918 में इस पत्र को अंग्रेज सरकार के खिलाफ आक्रामकता और सरकार विरोधी होने के आरोप में इसको बंद हुआ ये समाचार पत्र। तो तब तक इसके तेवर जो थे वो बदल चुके थे, आज़ादी के संग्राम में इसने यानी कि बहुत बड़ा योगदान इसका दिया है। हालांकि तब तक और भी समाचार पत्र छपने शुरू हो गए थे, जैसे 1893 में अल्मोड़ा से कुमाऊं समाचार था, 1902-1903 के बीच में देहरादून से गढ़वाल समाचार था, और 1905 में देहरादून से गढ़वाली नाम का समाचार पत्र था, इनके बीच भी पढ़ चुके थे। और ये अंग्रेजी शासन के खिलाफ, अंग्रेजी दमन के खिलाफ ये लोग लिखने लगे थे। अब हम इसके बाद जो नैनीताल के बाद जो पत्रकारिता उत्तराखंड की जाती है वो अल्मोड़ा उसका केंद्र बनता है। अल्मोड़ा का बड़ा योगदान रहा, जिसको उत्तराखंड की संस्कृत, प्रमुख संस्कृत नगरी भी कहा जाता है। तो जैसा हमने पहले बताया आपको कि 1868 से 1871 के बीच में समय विनोद इकलौता समाचार पत्र था, तो उसके बाद जो दूसरा समाचार पत्र जो आया था 1871 में वो था अल्मोड़ा अखबार, अल्मोड़ा से प्रकाशित होता था। और इसका जो रजिस्ट्रेशन नंबर था वो 10 था। पाइनियर एक अखबार जो अभी भी चलता है, पाइनियर इसके समकालीन, ये दोनों अखबार जो थे वो एक साथ ही आसपास के छपे थे। तो इसका, ये देश का एक तरह से 10वां रजिस्ट्रेशन है, तो पंजीकृत समाचार पत्रों के नाम के आधार पर हम अगर समझें तो ये 10वां समाचार पत्र पूरे देश का था, अल्मोड़ा अखबार। तो 1870 में अल्मोड़ा में डिबेटिंग क्लब, उन दिनों लोग बात बहस ये इस तरह की चीज़ें काफ़ी करते थे, तो डिबेटिंग क्लब वहाँ लोगों का था अल्मोड़ा में। उसमें बुद्धि बल्लभ पंत ने इसका प्रकाशन, उस डिबेटिंग क्लब के माध्यम से इसका प्रकाशन जो है वो प्रारंभ किया, वहीं से इसकी बात निकली। 48 वर्षों तक इसका ये जो समाचार पत्र था चला। इसका संपादन बुद्धि बल्लभ पंत जी ने पहले किया, फिर मुंशी इम्तियाज अली जीवानंद जोशी, 1909 तक इसके संपादक फिर मुंशी सदानंद सनवाल रहे, 1909 से 1913 तक विष्णुदत्त जोशी रहे, और 1913 के बाद बद्रीदत्त पांडे, जिन्हें कुमाऊं केसरी भी कहा जाता है,
उन्होंने इसका संपादन किया, उसके बाद तो इसके तेवर और आगे बढ़े, उसकी उसकी भी कहानी हम आपको बताएंगे। और ये जिस तरह के इसके तेवर थे उस आधार पर इसको उत्तराखंड की पत्रकारिता की पहली ईंट भी कहा जाता है, यानी इसका बड़ा योगदान है अल्मोड़ा अखबार का। तो अल्मोड़ा अखबार की के अगर हम और इसके अंदर बात करें तो ये शुरुआत में तो सभी समाचार पत्रों को उस तरह से ही निकलना पड़ा। अगर अंग्रेजी सरकार की एक कड़ी अगर ये करते तो फिर समाचार पत्र उसमें निकल ही नहीं पाते, ये स्थितियाँ थी। अंग्रेज बिल्कुल इस तरह के दमनकारी इस मामले में हो जाते थे, तो इसको भी सरकार परस्त अखबार कहा जाता था। लेकिन ये इसने जो है औपनिवेशिक जो शासन था उसका ध्यान स्थानीय समस्याओं के प्रति आकृष्ट करने में बहुत ज़्यादा इसने काम किया। यानी कि ये अगर उनके खिलाफ उस तरह से नहीं लिखता था तो यहाँ की समस्याओं को, जो समाचार पत्रों का हमेशा मैं कहता हूँ कि योगदान जो उनकी भूमिका होती है वो केवल ये होती है कि वो सरकार की नीतियाँ वो जनता को बताए और जो जनता की समस्याएँ हैं वो सरकार को बताएँ। तो ये जो जनता की समस्याएं थी उन्हें सरकार को बताने का ये अपना जो धर्म था वो बखूबी इसने निर्वहन किया। और कभी ये पाक्षिक चलता था, कभी साप्ताहिक रूप से निकलता था, क्योंकि उन दिनों हर तरह की बहुत सारी समस्याएं, आर्थिक रूप से भी समस्याएं होंगी और बहुत सारी चीज़ें होंगी। 1910 के आसपास जब देश में स्वाधीनता संग्राम आगे बढ़ रहा है, तो जब बंग भंग की घटना जब हुई थी देश में, तो उस समय इसने इसके तेवर तीर तेवर जो थे वो इसने बदले अपने, और ये फिर एकदम से ये अंग्रेज़ों के खिलाफ लिखने वाला समाचार पत्र बन गया। और इसने जो है जो अंग्रेजी अत्याचार से जो त्रस्त पृथ्वी जनता थी उसकी मुखवाणी को वाणी देने का इसने अभिव्यक्ति देने का इसने कार्य किया। और उस दौर में यहाँ भी उत्तराखंड में कई आंदोलन होने लगे थे, जैसे कुली बेगार था, जंगलों के बंदोबस्त का था, बाल शिक्षा था, मद्य निषेध, स्त्री अधिकार आदि पर इसने काफ़ी कलम चलाई। 1913 में जो हम बद्रीदत्त पांडे जी की बात कर रहे थे, जिन्हें कुमाऊं केसरी भी कहा जाता है, 1913 में वो इसके संपादक बने अल्मोड़ा अखबार के। तो उसके बाद इसका स्वरूप और इसके तीर तेवर बहुत तेज़ी से इसके बदल गए। पूरा स्वरूप ही नहीं, पूरा इसकी प्रसार संख्या जो इसकी थी वो पहले 50-60 अखबार केवल इसे छपता था, 50-60 अंक इसके केवल प्रतियाँ इसकी छपती थी, जो 1500 के आसपास तक हो गई। और इसने जो इसमें जो है बेगार, जंगलात, स्वराज, स्थानीय नौकरशाही की निरंकुशता, इन सब चीज़ों पर भी इसके आक्रामक लेख इसमें प्रकाशित होते थे। 14 जुलाई 1913 के अंक में इसका अगर हम इसके अंक में संपादकीय जो लिखा गया था उसको अगर हम पढ़ें तो उससे थोड़ा समझ में आएगा कि कैसे यह जो था उत्तराखंड में विकसित होती जो राजनीतिक चेतना था उसका कैसे ये प्रतिबिंब बन गया था। तो कुली बेगार प्रथा कभी अगर हम उत्तराखंड के इतिहास की अगर आपको बात बताएंगे तो धीरे धीरे ये चीज़ें भी आती रहेंगी, तो वो चल रहा था यहाँ पे, तो उस पर इसने कैसे लिखा था वो हम आपको बताएं। तो इसने लिखा था, कुली के प्रश्न को ने हमको वास्तव में बेजार कर दिया है। ये चूँकि ये इन्वर्टेड कॉमा के अंदर उसमें लिखी हुई चीज़ें दूसरे की कोट करनी है, इसलिए हम उसको उसी तरह से आपको बताएंगे जैसे जो उसमें लिखा गया है। उसमें अगर एक भी शब्द इधर उधर करने में फिर उसके अर्थ बदल जाते हैं। तो उसमें लिखा था कि कुली के प्रश्न ने हमको वास्तव में बेजार कर दिया है। यह प्रश्न जंगलात के कष्ट से भी गुरुतर है, क्योंकि जंगलात का प्रश्न आर्थिक है पर यहाँ मानहानि है। आज जबकि अमेरिका में के हबसी और दक्षिण अफ्रीका के असभ्य तक उन्नति की चेष्टा कर रहे हैं, कूर्मांचल जैसे सभ्य विद्या संपन्न देश के सदस्यों को कुली कहा जाना कैसा अपमानजनक है, सो कह नहीं सकते। यह वास्तव में जातीय आत्मघात है। यदि एक चींटी को भी आप हाथ में बंद कर दें तो वो भागने का प्रयत्न करती है, पर हमको एक सभ्य सरकार कुली बना रही है और हम चुप्पी साधे बैठे हैं, शोक महाशोक। ये उसने अपने संपादकीय में लिखा था। कुली बेगार, कुली बर्दाइश, कुली उतार, इन प्रथाओं के बारे में अगर हम थोड़ा सा आपको संक्षिप्त में बताएं तो ये प्रथाएं हालांकि बहुत पहले से कत्यूरी शासन काल के दौर से चली हुई थी, क्योंकि उन दिनों सामान सब ढोना था जैसे हमने आपको बताया, फिर उसको गोरखाओं ने और आगे बढ़ाया और अंग्रेजों ने भी उसको आगे बढ़ाया। तो अब चूंकि उस समय तक तो इससे पहले तो कोई आवाज़ उठाने वाला था नहीं, अब आवाज़ समाचार पत्रों के माध्यम से उठ रही थी, तो फिर बाद में इसका निराकरण भी हुआ, लोग एकजुट हुए, लोग जुटे, फिर वो प्रथा ये ख़त्म हुई।
तो ये जो प्रथाएं थी इसमें लोगों को, जो जनता थी उनको अपने शासन का, उनके राजाओं का, अपने जो नौकरशाह थे, अधिकारी थे, उनका, उनके सामान को सब अपने कंधों पर ढोना होता था, क्योंकि उन दिनों गाड़ियाँ वाड़ियाँ तो कुछ होती नहीं थी पहाड़ पे, तो उसी पे, और उनको कुली उनको कहा जाता था। तो इस तरह की चीज़ों पर वो किस तरह से लिख रहा है और अपने जनता को जागरूक करने की कोशिश कर रहा है, उन्हें उत्तेजित करने की इस सब चीज़ों के प्रति भी वो कोशिश कर रहा है कि आप विद्या संपन्न हैं। इससे ये भी पता चलता है कि उस दौर में किस तरह का चीज़ें थी। हम लोग सभ्य हैं, कुर्मांचल जैसे सभ्य लिखा है, विद्या संपन्न लिखा है, तो हम लोग उस समय भी किस तरह के यहाँ के लोग थे, उन सब चीज़ों को भी एक तरह से बताया जा रहा है। और कहा जा रहा है कि चींटी को भी अगर आप हाथ में बंद कर देंगे तो वो भागने का प्रयास करती है, लेकिन हम जो हैं वो अभी भी कुली बने बैठे हैं। तो इस तरह की चीज़ें भी ये समाचार पत्र इस तरह से भी अपनी भूमिका को निभा रहा था। तो बद्रीदत्त पांडे ने जी ने जो है उपनिवेशवाद के खिलाफ लिखने पर इस तरह की जब उनकी लेखनी चल रही थी तो उनको कई बार दंडित किया, उन पर जुर्माना लगाया। जुर्माना न दे पाने पर उन्हें, उनको ये जो अल्मोड़ा अखबार को बंद करने का हुक्म सुना दिया। इस पर अल्मोड़ा अखबार जो है 1918 में अंततः बंद हो गया। अल्मोड़ा अखबार का ऐसा असर था कि इसकी जो बंद होने की कहानी है वो भी बड़ी दिलचस्प है, वो एक तरह से दंत कथा बन गई है, उसमें शब्द इधर के उधर मिलते जुलते वो एक कहानी सी बन गई है कि कुछ चीज़ें उसमें ठीक होंगी, कुछ चीज़ें गलत होंगी। तो ये कैसे बंद हुआ, ये एक बड़ी, इसको हम आपको रोचक कहानी है। कहते हैं कि उस समय तत्कालीन डिप्टी कमिश्नर जो थे वो लोमस नाम के अंग्रेज थे, वो तत्कालीन जंगलात नीति का कट्टर समर्थक था लोमस, और बड़ी गर्म मिजाज का व्यक्ति था। उसको पांडे जी जो जंगलात विरोधी लेख लिखते थे उससे वो बहुत बुरी तरह से नाराज था। उसने एक दिन उन्हें संपादक पांडे जी को बुलाया और धमकी दी कि वो अखबार को बंद कर देगा। तो बद्रीदत्त पांडे जी ने जो अपने उसमें लिखा है, जो उस जब वो उससे मिलने के लिए गए लोमस से, तो वो कैसा दृश्य था, तो उन्होंने लिखा है, लोमस कभी पैर पटकता, दांत पीसता और कभी मेज पर हाथ पटकता। वह फिरंगी मेरे से बेढंग चिढ़ चुका था, बिगड़ चुका था और भालू की तरह गुस्से में था। तो ऐसी स्थिति में वो बद्रीदत्त पांडे जी को एक तरह से अपने प्रभाव में लेने का प्रयास कर रहा था। तो इसके जो ये घटना हुई, तो बद्रीदत्त पांडे जी उसके बाद शांत नहीं हुए, बल्कि उन्होंने क्या किया कि दूसरे तरह से लिखना शुरू किया। अपने संपादकीय में उन्होंने नौकरशाही पर व्यंग्य करते हुए जी हजूर होली, जी हजूर होली, इस तरह का उन्होंने एक व्यंग्य लिखा। और इसके अलावा डिप्टी कमी ये लोमस पर उसने लोमस की भालूशाही, इस तरह का एक व्यंग्य, इस तरह के शीर्षक से उन्होंने एक लेख प्रकाशित किया। वो जैसे पहले ही लिख रहे थे कि भालू की तरह गुस्से में था। तो इस लेख के तुरंत बाद एक घटना घटी, लोमस तो चिड़ा हुआ था ही था। एक घटना ये घटी कि अल्मोड़ा के पास में शाही देवी एक जगह है, वहाँ जंगल में एक लोमस जो है वो वहाँ मुर्गी का शिकार खेलने के लिए चला गया। उसके साथ में और लोग भी जाते थे, सारे जो यहाँ के लोग थे वो कुली कहे जाते थे। तो एक कुली से उसने शराब मंगाई, यानी हिंदुस्तानी से उसने शराब मंगाई, शराब लाने में थोड़ी सी देर हो गई। तो शराब लाने पर देर होने से उसने कुली पर छुरे से वार कर दिया, मुर्गी की जगह कुली पर छुरी चला दी। इस खबर को पांडे जी ने अखबार में छापा। उन दिनों ये ऐसी खबरें छपनी अंग्रेज़ों के खिलाफ बड़ी इतनी आसान नहीं थी, तो उन्होंने इसको छाप दिया। और लोमस पहले से ही अल्मोड़ा अखबार से चिढ़ा हुआ था, बंद कराने का इसको बंद कराने का वो पूरी तरह से मन बना चुका था। उसने अल्मोड़ा अखबार पर 1,000 रुपये की जमानत मांगी, दंड लगा दिया। और इसके व्यवस्थापक उन दिनों सदानंद सनवाल थे, उन्हें बुला करके अल्मोड़ा अखबार को बंद करा दिया। तो इस पूरी घटना पर गढ़वाल में समाचार पत्र छपता था गढ़वाली, उसने जो अपनी हेडिंग लगाई थी, सुर्खी लगाई थी, जनरली आज होता है कि एक अखबार अगर कोई समाचार पत्र छापता है तो दूसरा उसके बारे में कोई टिप्पणी नहीं करता, वो एक अखबार लिख देता है उसका नाम भी, और कोई एक दूसरे को समर्थन करने का, सपोर्ट करने का कोई चीज़ हम देखते नहीं है। लेकिन गढ़वाली ने अल्मोड़ा अखबार के बंद होने पर
एक विशिष्ट जिसको बहुत चर्चा में है, वो उसकी जो हेडिंग थी वो थी एक गोली के तीन शिकार, मुर्गी, कुली और अल्मोड़ा अखबार। तो ये उसने ये इसका जो रहा बंद होने का अल्मोड़ा अखबार को, इस तरह से अल्मोड़ा अखबार बंद हुआ। लेकिन अल्मोड़ा अखबार जब बंद हुआ तो इसकी भरपाई अल्मोड़ा अखबार की जो संपादक बद्रीदत्त पांडे, वो कहाँ चुप रहने वाले थे। समाचार पत्र को तो लोमस ने, जो व्यवस्थापक थे सनवाल जी, उनके माध्यम से बंद करवा दिया था, लेकिन बद्रीदत्त पांडे के तेवर जो थे वो वैसे के वैसे ही रहे। उन्होंने अल्मोड़ा की देशभक्ति प्रेस से एक स्थापना की, इसकी नई प्रेस की, और वहाँ से 1918 में ही विजयादशमी के दिन 18 अक्टूबर का दिन था, उस दिन उन्होंने शक्ति नाम से एक नया समाचार पत्र प्रकाशित करके जो अल्मोड़ा अखबार की खाली जगह हुई थी उसको भर दिया। उस अल्मोड़ा अखबार को बंद कर दिया, हम दूसरा अखबार निकाल देंगे। शक्ति, विजयादशमी पर शक्ति की पूजा होती है, तो उन्होंने समाचार पत्र का नाम भी इसलिए शक्ति रखा था। शक्ति शुरुआत से ही जो था वो आक्रामकता थी उसके अंदर, और भारतीय राष्ट्रवाद, दोनों चीज़ों का उस पर बहुत असर था। उसने न केवल स्थानीय समस्याओं पर, वरन जो आंदोलन जो हो रहा था, राष्ट्रीय आंदोलन, उसको दोनों को एकाकार करने में उसने महत्वपूर्ण योगदान दिया। शक्ति के जो लेखन का अंदाज था उसका एक हम कोट करते हैं, 27 जनवरी 1919 के अंक में उन्होंने जो लिखा था उसको हम आप पढ़ के आपको सुनाते हैं। वो लिखा था उन्होंने, आंदोलन और आलोचना का युग कभी बंद न होना चाहिए, ताकि राष्ट्र हर वक्त चेतनावस्था में रहे, अन्यथा जाति यदि सुप्तावस्था को प्राप्त हो जाती है तो नौकरशाही, जर्मनशाही या नादिरशाही की तूती बोलने लगती है। तो इस तरह की उनका जो लेखन का तरीका था, लेखन शैली थी, वो इस तरह की थी। जो शक्ति, इसके अलावा भी जो अंग्रेजों के खिलाफ के अलावा, जो उन दिनों बेगार, कुली बेगार जो हमने आपको बताया, जंगलात का आंदोलन, डोला पालकी, हर किसी को जो नौकरशाही थी उनको डोले में, पालकी में लेके जाना होता था। इसके अलावा नायक सुधार, इन दिनों एक कुप्रथा हमारे यहाँ अल्मोड़ा के आसपास में, वो वैश्यावृत्ति से संबंधित भी थी, जो नौकरशाह थे या उससे पहले राजा लोग भी थे, वो इस तरह की कुप्रवृत्तियों में संलग्न थे। तो ये जो इसमें जो जाति, जो इसमें भारतीय जाति जो थी, वो नायक उन दिनों उनको कहते थे, तो उनका सुधार, एक जो अस्पृश्यता वाला जो है अछूत, उनका उद्धार करने, और गाड़ी सड़क आनी चाहिए, इस तरह के आंदोलन भी इस पत्र ने, शक्ति ने इन चीज़ों को भी अपनी मुखर अभिव्यक्ति दी। और साथ में असहयोग आंदोलन, स्वराज, सविनय अवज्ञा आंदोलन, व्यक्तिगत सत्याग्रह, भारत छोड़ो आंदोलन जैसी जो अवधारणाएं देश में चल रही थी, उनको भी ये ग्रामीण जनमानस तक लेकर के गया। उनकी भाषा में लिख रहा था तो वहाँ तक इसको लेके गया। और इसके साथ में इसमें साहित्यिक, सांस्कृतिक अभिव्यक्तियाँ भी इसके लिए भी इसमें स्थान दिया, उसके लिए भी एक मंच के रूप में माध्यम बना। यानी आम लोग भी अगर अपनी कोई कविता, कहानी, कुछ चीज़ें अगर प्रकाशित करना चाहते हैं और वो स्तरीय होती हैं, तो उसको भी इसमें स्थान दिया जाता था। इसके जो संपादक आगे भी जो थे वो सारे के सारे राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्रामी थे। 10 जून 1942 को तत्कालीन संपादक जो थे इसके, मनोहर पंत, उन्हें सरकार विरोधी लेख प्रकाशित करने के आरोप में DIR एक्ट के तहत जेल भेज दिया गया, जिस कारण से 1942 से 1945 तक इसका प्रकाशन फिर बंद रहा। 1946 में इसका प्रकाशन फिर से आरंभ हुआ। इसके बाद बद्रीदत्त पांडे, मोहन जोशी, दुर्गादत्त पांडे, राम सिंह धोनी, मथुरादत्त त्रिवेदी, पूरनचंद तिवाड़ी, ये इसके संपादक रहे, और इनमें से एक दो अपवादों को छोड़कर ज़्यादातर संपादक जो थे इसके जेल में गए, या तो जेल में गए या तत्कालीन प्रशासन की घृणा के पात्र बने। और इस तरह से अल्मोड़ा अखबार में अंग्रेज आज़ादी के आंदोलन के अग्रदूत और क्रांतिदूत की भूमिका इस अखबार ने हमेशा से निभाई। तो और ये अखबार जो है अल्मोड़ा, ये शक्ति जो अखबार है, यानी अल्मोड़ा अखबार की जो परंपरा है उसको निभाता हुआ ये आज भी प्रकाशित होता है, और अब तो इसका डिजिटल अंक भी अब इसका आता है। इसके बाद हम बात करेंगे गढ़वाली समाचार और गढ़वाली की। अब लौट के उत्तराखंड के दूसरी ओर चलते हैं। गढ़वाली के बारे में हम पहले ही जिक्र आ चुका है कि उसने अल्मोड़ा अखबार जब बंद हुआ तो उसके बारे में उसने मुख्य रूप से एक लेख प्रकाशित किया था। तो 1902 से 1904 तक
लैंसडाउन से गिरजा दत्त नैथानी ने इस गढ़वाल समाचार पत्र निकाला था। तो वहाँ से जो ये गढ़वाल समाचार जो था वो उस तरफ से प्रकाशित होने वाला पहला हिंदी अखबार था। बाद में 1913 से 1915 तक इसे एक बार फिर से नैथानी ने दोगड्डा से निकाला, पहले लैंसडाउन से फिर दोगड्डा से, और ये भी अपनी उदार और नरम नीति के बावजूद औपनिवेशिक शासन के और गलत नीतियों का विरोध करता रहता था। उस समय के सारे समाचार पत्र इसी तरह से काम करते थे, अन्यथा उनका समाचार प्रकाशित करना ही उनका असंभव था, संभव नहीं था। तो उत्तराखंड में पत्रकारिता के विकास का जो क्रम है उसमें जो गढ़वाली समाचार पत्र की हम खासकर बात करें, जो 1905 से 1952 तक चला बहुत लंबे समय तक, उसका बहुत बड़ा योगदान है। उसने गढ़वाल में शिक्षित वर्ग में सामूहिक प्रयासों द्वारा स्थापित एक सामाजिक संस्थान एक तरह से ये हो गया था। इसे वास्तविक अर्थों में उत्तराखंड के गढ़वाल अंचल में उद्देश्यपूर्ण पत्रकारिता की नींव की ईंट कहा जाता है। जैसे हिंदी पत्रकारिता की नींव की ईंट अल्मोड़ा अखबार को कहा जाता है, तो इसको गढ़वाल अंचल में उद्देश्यपूर्ण पत्रकारिता की नींव की ईंट और गढ़वाल में पुनर्जागरण की लहरों को पहुँचाने वाला अखबार भी कहा जाता है। जैसे हमने पहले बताया, उदार सरकार परस्त तरह का अखबार था, और इसका जो स्थापना थी 1901 में गढ़वाल यूनियन के द्वारा उसने इसको स्थापित किया था, उसका पत्र माना जाता था। तो इसका पहला अंक जो था वो मई 1905 में निकला, जो कि मासिक था, और इसके संपादक गिरजा प्रसाद नैथानी। आगे गढ़वाली के जो दूसरे संपादक हुए वो तारादत्त गैरोला जी, और तीसरे संपादक विश्वंभर दत्त चमोला 1916 से 1952 तक, जिन्होंने इसको आगे बढ़ाने में बहुत बड़ी महती भूमिका निभाई। उस समय इसलिए भी महत्वपूर्ण था कि उस समय टिहरी रियासत में वहाँ भी दमनकारी, यानी अंग्रेजी केवल दमन नहीं होते हैं, राजा तो जो भी राजा होता है वो दमन करता है। तो टिहरी रियासत में भी कई दमन की घटनाएं बहुत ज़्यादा चर्चित हैं। एक रवाई कांड उनका मई 1930 में हुआ है, वो बहुत ज़्यादा चर्चित है। तो उस समय ये जनपक्षी पत्रकारिता ये करते हुए इसने आवाज़ बुलंद की। उसकी कीमत इसको एक वर्ष की जेल जाकर इनके संपादक विश्वंभर दत्त चंदोला जी को जेल जाना पड़ा एक साल के लिए। और इस जो हमारे जो पत्रकारिता की एक जो आज के दौर में बहुत ज़्यादा इसको महत्वपूर्ण माना जाता है, टू वे कम्युनिकेशन। जनरली सामान्यतः जो समाचार पत्र होते हैं वो वन वे कम्युनिकेशन करते हैं, यानी अपनी बात कहते हैं और जो पढ़ने वाले लोग हैं वो अपनी बात, समाचार पत्र उनकी बात आ पाती है, सीधे तौर पर नहीं आ पाती है। वैसे तो समाचार पत्र का काम ही यही है, लेकिन उनकी बात को भी यहाँ पहुँचाने का जो बात होती है टू वे कम्युनिकेशन, उसकी शुरुआत का श्रेय भी गढ़वाली समाचार पत्र को माना जाता है। वो इस तरह से कि इन्होंने पाठकों के पत्र संपादक के नाम एक कॉलम इन्होंने शुरू किया, जिसमें कोई भी पाठक अपना पत्र संपादक के नाम लिख सकता था, यानी कोई भी समस्या लिखने का एक तरीका माध्यम था। संपादक के नाम पत्र लिखेंगे तो उनका पत्र जस का तस जैसे उन्होंने लिखा है, थोड़े बहुत भाषा बरतने की सुधार के साथ में वो उसको छप जाता था। तो यही एक जो पत्र था इसने अंग्रेजों के खिलाफ भी और टिहरी रियासत के खिलाफ भी इसने लिखा। 47 साल तक ये पत्र जिंदा रहा, काफ़ी लंबे समय तक, 1952 देश की आज़ादी के बाद तक, और इसने देश के साथ में अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं से लेकर के विविध राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक विषयों पर प्रखरता के साथ लिखा, और अनेक आंदोलनों की पृष्ठभूमि इसने तैयार की। कुली बरदाइश की कुप्रथा के खिलाफ इसने जो लिखा उसको हम आपको एक कोट करके सुनाते हैं। तो इसने लिखा था, कुली बरदाइश की वर्तमान प्रथा गुलामी से भी बुरी है और सभ्य गवर्नमेंट के योग्य नहीं। कतिपय सरकारी कर्मचारियों की दलील है कि यह प्राचीन प्रथा अर्थात दस्तूर है, किंतु जब यह दस्तूर बुरा है तो यह तो चाहे प्राचीन भी हो निंदनीय है और फौरन बंद होना चाहिए। क्या गुलामी सती प्रथा प्राचीन नहीं थी? ये इस तरह के इसने सवाल उठाए। भाषा को आप देखें किस तरह की भाषा उसकी थी। जैसे कि हमने आपको पहले ही बताया कि कत्यूरी शासन से और उससे पहले से गढ़वाल में तो दूसरे शासन थे पालवादी, तो ये तब से एक प्रथा हमारे यहाँ चली ही आ रही थी। अंग्रेजों ने उसको आगे बढ़ाया था, ऐसा नहीं था कि अंग्रेजों ने ही उसको शुरू किया था,
उससे पहले से चल रहा था, तो उसके खिलाफ ये कह रहा है कि जो बुरी प्रथाएं भले ही उसको अब दस एक समाज ने उसको मान के चल लिया कि ये तो दस्तूर है तो निभाना ही है, तो वो कह रहा है कि सती प्रथा जैसी जो प्रथा अगर वो दूर हो सकती है तो ये क्यों नहीं, विलियम बेंटिंग ने उसको ख़त्म किया था तो वो ये क्यों नहीं ख़त्म हो सकती है। तो इसने उन दिनों उत्तराखंड में कन्या विक्रय की भी कुप्रथा थी, शादियाँ आज की तरह आज तो दहेज दे करके होती हैं, आज जो शादियाँ होती हैं सामान्यतया उसमें लड़की कन्या पक्ष जो है वो दहेज देता है वर पक्ष को, लेकिन उस समय एक एक कुप्रथा हमारे यहाँ थी कि कन्या का एक तरह से विक्रय होता था, जो दूल्हा पक्ष था वो पैसे देता था दुल्हन पक्ष को और उससे एक तरह से खरीद करके कन्या को ले करके आता था, तो इस तरह की कुप्रथा भी थी, ये पूरे उत्तराखंड में इस तरह की कुप्रथा उस समय व्याप्त थी। तो उसके विरुद्ध इसने आंदोलन चलाया, कुली बेगार जंगलात गाड़ी सड़क इस तरह के जो प्रश्न थे उनके बारे में तो ये लिखता ही था। तो इसका जितना बड़ा 47 साल का इसका योगदान है तो उसके कारण से इसको इस पूरे दौर को उत्तराखंड की या गढ़वाल की उस पूरे और भी बहुत सारे छोटे पत्र रहे होंगे लेकिन इस पूरे दौर को गढ़वाली युग भी इसको कहा जाता है। तो इसका शानदार एक अध्याय है इसका और इसको क्रांति की नहीं गांधीवाद की सत्याग्रही नीति पर चलने वाला अखबार भी इसको बताया गया, यानी कि सॉफ्ट तरीके से आप ये भी माने कि सॉफ्ट चलेगा तभी लंबे समय तक चल सकता है, वरना अगर इस रुख अगर बहुत ज़्यादा कड़ा होगा तो समाचार पत्र अल्पजीवी भी होगा, ये भी एक सच्चाई है। तो इसको एक तरह से गांधी जी की सत्याग्रही नीति पर चलने वाला समाचार पत्र कहा जाता है। तो हमें लगता है कि आज का जो अंक है वो काफ़ी लंबा और हो सकता है बोरिंग भी लगा हो कुछ लोगों को, तो हम इस यात्रा को आगे बढ़ाएंगे, आगे स्वाधीन प्रजा और अन्य कुर्मांचल अखबार और बाकी बहुत सारे अखबारों के बारे में हम आपको उत्तराखंड की पत्रकारिता को एक नए अंक में लेकर के आएंगे। आज की इस वार्ता को यहीं पर समाप्त करते हैं, आपसे उम्मीद करते हैं कि आपको ये जो हमारी प्रस्तुति है वो ठीक लगी होगी, खासकर पत्रकारिता के जो छात्र हैं छात्राएं हैं विद्यार्थी हैं वो इस उनके लिए ये अंक हमारा उपयोगी बना होगा। तो अगले अंक को हम अगले सप्ताह इसमें प्रस्तुत करेंगे, तब तक के लिए हम आपसे विदा लेते हैं और आपसे ये गुजारिश आप हमारी अपेक्षा ये है आपसे कि हमारे प्रोत्साहन के लिए इसे लाइक करें, अन्यत्र शेयर करें अपने साथियों में और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी दबाएं ताकि आपको हमारे अंक जो हैं वो सबसे पहले मिल सकें। धन्यवाद, नमस्कार, अगले शुक्रवार को मिलते हैं सुबह 9 बजे।